नमस्कार, वेज कुकिंग विद अनु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खास स्वाद वाली दिवाली स्पेशल बेसन की बर्फी। त्योहारों के टाइम पे बाजार की मिठाइयों की शुद्धता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसमें कितनी मिलावट है, कैसे बनी है, इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता है कि वो कितनी शुद्ध है। तो आप बिना किसी परेशानी का घर पे बहुत ही आसानी से ये खास बेसन की बर्फी बना सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, अपने घर पे अपने हाथ से बनी हुई मिठाई की बात ही अलग होती है। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप बेसन, यानी जो घी था माप में जितना घी था उसका डबल हमने बेसन लिया है। बेसन सिर्फ माप में डबल है, अगर वजन करने जाएंगे तो ये डबल नहीं होगा, बस थोड़ा ही कम ज्यादा होगा। एक चीज का आपको ध्यान देना है कि हमें बेसन को भूनना है अच्छे से, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका कलर भी हमें ज्यादा चेंज नहीं होने देना है, इसलिए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। ये देखिए, घी की मात्रा अगर बेसन में इस तरह से है तो बेसन बिल्कुल अच्छे से भून भी जाएगा और उसका कलर भी नहीं बदलेगा। तो घी हमें बेसन में भरपूर रखना है, मतलब कि इस तरह से बेसन जो है घी में पूरा डूबा रहना चाहिए। तो लो फ्लेम पे बेसन को भूनते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं और बेसन से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। बेसन बिल्कुल अच्छे से भून चुका है और यहीं पे अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, लेकिन इसे हमें चलाते रहना है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए और ये और ज्यादा इसका कलर न चेंज हो जाए। बेसन बिल्कुल अच्छे से भून चुका है कि नहीं, अगर इसकी पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप घड़ी देखकर इसे 8 से 10 मिनट तक इसे आप मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए। ये उतने टाइम तक बिल्कुल अच्छे से भून चुका रहेगा। ठंडा करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर। माप में मैंने बेसन 1.5 कप लिया था और मिल्क पाउडर मैंने 3/4 कप लिया, यानी बेसन का आधा लिया है। तो हमें थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियां वगैरह नहीं बने। तो बेसन में मिल्क पाउडर मिला दिया है और इसे अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमें लेनी होगी 1 कप चीनी और 1 कप चीनी में हम 1/2 कप पानी डालेंगे। चीनी को मेल्ट होने के बाद हमें चाशनी को जल्दी जल्दी चेक करते रहना है। हमें चाशनी बहुत ही ज्यादा गाढ़ी और बहुत ही ज्यादा पतली नहीं चाहिए, सिर्फ एक तार की चाशनी चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, चाशनी तैयार है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमें किस तरह की चाशनी चाहिए। तो ये देखिए, हमें इस तरह की चाशनी चाहिए। ये इस तरह से जो तार में चाशनी की जो बूंद गिर रही है, बिल्कुल इस तरह की चाहिए। बस बिना देरी किए हुए हमें फटाफट से इसमें डाल देना है ये जो हमने पहले से तैयार करके रखा है बेसन और मिल्क पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे चाशनी में इसे। इसको हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें जो भी थोड़ी बहुत गुठलियां हैं वो खत्म हो जाए। तो जिस भी बर्तन में आपको इसे सेट करना है उसे आप घी से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पहले से इसमें घी लगा के रखा है और अब हम इसमें ये डाल लेंगे। और इस तरह से आप किसी चम्मच से इसे सब साइड से एक बराबर इसमें फैला लेंगे और ऊपर से हम इसमें कुछ बादाम कतरन डाल देते हैं और थोड़े से पिस्ते की भी कतरन डाल देते हैं। आप अपने मनपसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ड्राई फ्रूट जो है इसके अंदर तक चले जाएं, वो बाहर निकले, अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएं। तो इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर इसे आप फ्रिज में आप रख रहे हैं सेट होने के लिए तो ये और भी जल्दी सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो बर्फी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। इसे मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था, ऐसे बाहर नॉर्मली रख दिया था और 2 घंटे भी नहीं लगे हैं, पूरे 2 घंटे के अंदर में ये सेट हो गई है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम सभी बर्फी को निकाल लेंगे।
तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल जा रही है बर्फी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है निकालने में इसे। अगर ये नहीं निकल रही है तो थोड़ा सा आप 10-15 सेकंड के लिए नीचे से इसे गैस पे आप हीट कर लेंगे तो ये और भी आसानी से निकल जाएगी। तो बर्फी बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है। इसका मैं टेक्सचर आपको दिखाती हूँ अभी। ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।